लग रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे कि आप जिन बच्चों को गोद लिए हैं उनकी फीस नहीं दी जा रही, तो इस पे प्रणव भैया ने ऑलरेडी लाइव किया है, अखिलेश जी ने भी किया है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, मैं कितनों को गोद लिया हूँ और कितनों को क्या जाता है नहीं जाता है ये मुझे पता है और मेरा जमीर जानता है। मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन मेरे पीछे क्या गेम कर रहा है नहीं कर रहा है। आज मैं जो पहल स्टार्ट किया, आज हर आदमी पहलों कर रहा है ना, गरीबों को खाना देना, कपड़ा देना, घर देना या गरीबों को गोद लेना, इससे खेसारी से पहले तो किसी स्टार ने नहीं की थी। जी बिल्कुल सही बात है। आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला तो आदमी हूँ नहीं मैं जी, लेकिन मैंने स्टार्ट किया लोगों को दान करना, लोगों का हेल्प करना, लोगों के दुख में जाना, लोगों के दुख का हिस्सा बनना, तो आज सब लोग उस दुख का हिस्सा बन रहे हैं, तो मेरी तो जीत है ना। अब लोगों को लगता है कि क्या है क्या नहीं, तो वहाँ उस वो स्कूल जानता है कि मैं क्या देता हूँ और वो मास्टर जानता है। हमें कहने का मतलब कि अगर ऐसे ही लोग बदनाम करते रहेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि फिर दोबारा कोई हेल्प करने की कोशिश करेगा। मैं उन परिजनों से भी कहूँगा कि अगर किसी को लगता है, ये बताइए आज उस लड़कों को मैंने सहारा दिया तभी तो ये विवाद हुआ जी। अगर मैं नहीं गया होता और मैं उस जगह का हिस्सा नहीं बना होता तो शायद ये विवाद भी नहीं होता जी। तो मैंने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़े प्यारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो भी अच्छे इंसान हैं। सबको मेरे तरफ से शुभकामना है कि उनको जितना बदनाम करने का लगता है वो मुझे करके दिखाएं। मुझे रोकने के लिए बहुत पावर चाहिए, क्योंकि मैं एक सच्चा इंसान हूँ और मैं हमेशा सच्चाई की तरफ रहता हूँ। छः महीना में अच्छी बताइए कि 6-7 महीने से तो स्कूल ही बंद है जी। तो कहाँ फीस दूँ, ऐसे रोड पे फेंकते रहूँ फीस? फीस तो आज 7-8 महीने से स्कूल हर जगह बंद है जी। तो कहीं ना कहीं हम रोड पे फीस फेंकते तो नहीं रहेंगे ना जी। मेरा मानना, जिनको जो बोलना है बोलें, जिनको काम नहीं है सर वो क्या करेगा, कोई तो काम कर रहा है। आज बताइए कि मेरे पीछे कोई बोल रहा है तो बुरा कैसे है, बशर्ते ठीक है उसका काम है बोलना। मैं अपने चीज़ों को ऐसा थोड़ी है जो उसके कहने से मैं किसी को हेल्प करना बंद कर दूंगा। जितना लोगों को बोलता है, कम से कम ये देख कर लोग आज दान तो करने लगे, नहीं तो कोई दान तक नहीं करता था। कलाकार को किसी पब्लिक से लेना देना ही नहीं होता था सर। जिस तरीके से आप बाढ़ पीड़ितों को मदद करते हैं, ठंडी में कंबल बांटते हैं, और तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज जो गलत तरीके से आपको प्रमोट करते हैं, एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं? अच्छा ये बताइए, गलत तरीके से प्रमोट करने वाले तो एक ही दो लोग होंगे, लेकिन मुझे प्यार करने वाले करोड़ों में हैं। तो मैं उन दो लोगों के बातों को लेकर मैं करोड़ों का हेल्प करना बंद कर दूं, ये तो मेरे नेचर में नहीं है कि दो लोग। देखिए, हाथी हूं मैं और मैं चलूंगा और मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। बाकी जो भौंकने वाले हैं भौंके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उनके लिए सोचता ही नहीं, मैं सोचता उनके लिए हूँ जिन्होंने मुझे मोहब्बत देकर यहाँ तक बढ़ाया है। तो मैं चंद चीज़ों के लिए जो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मैं तो सर न्यूज ही नहीं देखता, मैं फेसबुक तक नहीं चलाता। कुछ लोगों ने मेरा नंबर वायरल कर दिया, मेरा नंबर वायरल कर दिया तो मैं नंबर ही दूसरे मोबाइल में डाल के उस मोबाइल को बंद कर दिया। दूसरा नंबर से आज सबके वहाँ जिसका नंबर सेव है मेरे पास आता है जाता है, जिससे मुझे बात करनी है वो मुझे पता है जे किससे मुझे बात करनी है। तो जितना नंबर वायरल करना है भाई तुम लोग कर दो, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं अपने काम में इतना बिजी होता हूँ कि 24 घंटा मोबाइल लेके तो बैठता नहीं हूँ, और मेरा काम देखने वाला कोई और है। तो जिनको ज़रूरत है खेसारी की, वो अपने आप वो संपर्क वहाँ करेंगे। सोनू जी हैं, विवेक जी हैं, तो सारे लोगों से मिल के काम तो हमारा हो ही रहा है। किसी के नंबर वायरल करने से मेरा काम बंद थोड़ी होने वाला है और मैं परेशान थोड़ी होने वाला हूँ, नहीं होने वाला हूँ। इसलिए नहीं होने वाला हूँ कि मैं 1, 2, 3, 4, 5 लोगों के बोलने से मेरी जीवन तो नहीं चलती है। मुझे मोहब्बत देने वाले करोड़ों में हैं, 5 लोग भौंकने वाले हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, भौंकने दीजिए। कौन मेरे बारे में क्या बोलता है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब छोटी छोटी चीज़ों पर फ़र्क डालना शुरू करूँगा। तो मेरा पोजीशन अब वो नहीं है कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर किसी से लड़ जाऊं, किसी से झगड़ जाऊं। और मैं हेल्प जो करने वाली चीज़ें हैं, मैं किसको क्या देता हूं नहीं देता हूं ये मेरा ज़मीर जानता है और मैं जानता हूं, मेरे अपने जो लोग हैं वो जानते हैं। और इनके कहने से, किसी के कहने से मेरे ज़मीर को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जितना बदनाम करना है कोई कर दे, सब सीता इतनी बड़ी हमारी रामायण की सबसे बड़ी अनमोल रत्न न सीता थी, उन पर भी आचरण लगाने वाले लगाए ना, ऐसा तो नहीं। तो जब भगवान को किसी ने नहीं छोड़ा, भगवान को भी दोषी बना दिया, तो हम तो इंसान हैं और ऐसे क्षुद्र लोग आएंगे आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। ऐसे भौंकने वाले हजारों आपके आएंगे, लेकिन आपका रास्ता कुछ अलग है, आप अपने रास्तों के मत छोड़िए, इनको भौंकने दीजिए। जितना भौंकना है ये भौंकेंगे, शांत हो जाएंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सीधा आदमी हूँ, किसी और के लिए भौंकेंगे
तो अपने आप आदत बनी रहेगी तो अच्छी रहेगी ना। मैं तो बिगाड़ता हूँ, मैं आदतों में लाता हूँ। नहीं बोलने का कारण मेरा यही है कि आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। मैं नहीं बोलूँगा तो शायद ये अगर आपके नेचर में चीज़ें रहेगी तो आप किसी को ऐसा ही बोलोगे। तो हर आदमी खेसारी तो नहीं है, तो फिर आपका अपना खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल के हो और क्या हो। तो चंद लोगों की बातों के लिए मुझे प्रेशर नहीं रहता है। मैं बड़ा मस्त मौला आदमी हूँ। हमार जो जीवन बना, हम विवादे में रही ले भाई, हम विवादे में रही ले। रीज़न ये बजे, जब आप अच्छा करिएगा भाई तो आपको झेलना पड़ेगा, ये दिमाग में रख लीजिए। आप जब अच्छा करिएगा, पत्थर साधुओं पे चलता है सर, क्रिमिनल पे किसी की औकात नहीं है पत्थर चलाने की। क्रिमिनल पे पत्थर नहीं चलता है, पत्थर साधु पे चलता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ढोंगी है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो मेरे भगवान मेरी जनता है और मैं उन जनता से जुड़ा हूँ। इनको लगता है कि मैं नाटक करता हूँ, तो अच्छी बात है, तुम भी नाटक करके अपना नाम कर लो यार। तुम भी नाटक करोगे तो उस नाटक के बदौलत कम से कम 2-4-10 लोगों का भला तो हो जाएगा। तो तुम भी नाटक करो, और वो नाटक शुरू हो गया है अब। सब लोग भाई सामग्री बांटना शुरू कर दिए आज के डेट में, सब लोग बाढ़ पीड़ितों के पास जाना शुरू कर दिए हैं, सब लोग गरीबों का दान करना शुरू कर दिए हैं, तो गोद लेने की भी प्रक्रिया होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो मुझे गाली देता है उसी को गोद ले लेते हैं, अब उनको क्या कहिएगा भाई। अगर हाँ हैं, यहाँ धरती पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे इंडस्ट्री के ही लोग हैं, जो मुझे गाली देगा वो उनके गोद में जा सकता है भाई, तो खुद ही उनको गोद लेता है। तो मैं गरीबों को गोद लेता हूँ, मैं असहाय लोगों को गोद लेता हूँ। कुछ लोग हैं जो खेसारी को तुम गाली दे दो मेरे गोद में बैठ जाओ, तो ठीक है ना, अच्छी बात है भाई, किसी को गोद ले रहा है ना आदमी, कम से कम वो विचारधारा तो दिमाग में आया कि आप किसी को गोद ले रहे हो, भले वो नाजायज करता है लेकिन आप गोद में तो ले रहे हो। तो यहाँ पत्थर साधु पे ही चलता है, कोई क्रिमिनल पे नहीं चलता है। तो अच्छा बात है ना कि मैं उस विचारधारा में हूँ, कम से कम सर कुछ तो कर रहा है वो मेरे लिए, अपना काम छोड़ के। आप इसको आदमी को जो भी मेरे बारे में जो भी बोलता है उसको तो पूछना चाहिए, मुझे उसको तो पूछना चाहिए। इसलिए पूछना चाहिए कि जो आदमी अपना काम धंधा छोड़ के, अपना करियर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के और मेरे बारे में सोच रहा है, ये कितनी बड़ी बात है सर। तो ये दुनिया है और ये दुनिया बोलेगी, और दुनिया पूरी दुनिया नहीं बोलेगी, कुछ लोग हैं जो अच्छे इंसान हैं, इन दुनिया से सबसे अलग हैं वो, उनके विचारधारा में मैं नहीं आता, तो शायद वो मेरे बारे में जो भी बोलना है बोलेंगे। अच्छी बात है, कहाँ बुरा है, मैं किसी की बातों को बुरा मानता ही नहीं। सबको समय बता देता है सर, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आज नहीं तो कल वो समय आएगा ये भी, कि मुझे लगता है कि हाँ वो समय ज़रूर आएगा जब वो उस जगह पे खेसारी नहीं कोई और होगा, और वो विधि जो मेरे साथ हो रही है वही विधि उसके साथ होगी, तो शायद वो खेसारी बन के नहीं कुछ और बन के उनका हिसाब करेगा। इसीलिए मैं चुप रहता हूँ कि भाई आदतें अपने दिमाग में रखो, आज नहीं तो कल फिर किसी के लिए तुम बोलोगे और वही चीज़ें तुम्हारे साथ होगी। अच्छा भैया, होली